जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे और जो कोई तकलीफ होगी वो इन उपायों से दूर हो जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ कि यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है, मतलब कि यदि ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि आपको एकाएक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, एकदम से पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप एकदम से किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आपको किसी एक व्यक्ति का भी नाम उस समय पे याद नहीं आता है कि आप किस व्यक्ति के पास चले जाएं मदद मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो संसार है, इस संसार के जो स्वामी हैं, जो महादेव हैं, महाकाल हैं, भूतनाथ हैं, जिनका समस्त भूतों पर राज है। भूतों का मतलब होता है हमारा ये जो शरीर है, ये पंच भूत से निर्माण हुआ है और इस पांचों भूतों के जो स्वामी हैं वो भूतनाथ स्वयं महाकाल हैं। मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा, किसी एक बंदे ने कमेंट में डाला कि जय महाकाल के पहले जय श्री महाकाल कहा कीजिए। मुझे काफी आनंद हुआ कि आपकी उनमें इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह के कमेंट करते रहिए, महाकाल का नाम लेते रहिए, आपके काम बनते रहेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो महाकाल के दरबार में आप चले जाएं और आपका काम न हो। मैं बार बार कहता हूँ, यदि बड़ी से बड़ी समस्या से गुजर रहे हो, जिंदगी और मौत की बारी आ गई हो, ऐसा समय आ गया हो कि अब चाहे लड़ेंगे या मरेंगे, ऐसा भी समय आ गया हो, तो एक बार पहुंच जाएं उज्जैन महाकाल के दरबार में, पहुंच जाएं, गुहार लगाएं, आप देखिए आपका काम होके रहेगा। उनके सामने संसार में दूसरी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो टिक पाए, तो आपका काम 110% वहां से हो जाएगा। लेकिन यदि आप वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी समस्या आ जाती है कि तत्काल किसी चीज की आवश्यकता है, तत्काल उसी क्षण किसी चीज की आवश्यकता है, मान लीजिए एकदम से किसी का कहीं पे कोई ऐसी घटना घट गई कि एकदम से बीमारी आ गई, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल, कोर्ट, कचहरी, एकदम से यदि घटना घट गई तत्काल में, कि जिसके लिए आपके पास कहीं दौड़ने का भी समय नहीं है, कहीं भागने का भी समय नहीं है, किसी को मदद के लिए बोलने का भी समय नहीं है, तो ऐसे समय में क्या करें आप? यदि आधी रात का वक्त है, जी हाँ, यदि आधी रात का वक्त है और यदि आधी रात को आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो इस उपाय को कीजिएगा। सवेरे होने तक आपके पास आपकी जरूरत का काम पूरा हो जाएगा, जिस किसी चीज की आपको जरूरत होगी। यदि पैसों की जरूरत है तो बहुत छोटी जरूरत है, तुरंत पूरी होगी। आपने इस उपाय को किया नहीं कि काम तुरंत हो जाएगा, तो मैं बता देता हूं आपको कि उपाय में आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बताए जाने वाले उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे, कष्ट मुक्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुशमय रहेंगे और दूसरों में खुशियां बांटते रहेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि उपाय में आपको करना क्या है। तो अब जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, पहले उस मंत्र की आपको मैं विशेषता बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया, जो समस्त भूतों के स्वामी हैं, जो भूतनाथ हैं, उनसे आपको प्रार्थना करनी है और वो समस्त भुवन में आपकी प्रार्थना गूंजेगी। भूतनाथ हैं समस्त भुवन में, तो आपका काम ये जो पंच भूत हैं, हम जो शरीर हैं, उन सब में जाएगी और समस्त भुवन, समस्त संसार में आपकी जो गुहार है वो घूमेगी और आपका काम बन जाएगा। आपको करना क्या है, मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। ओम नमो भूतनाथ,
समस्त भुवान भूतानि अर्थ साधय हूँ। यह मंत्र है कि समस्त भुवन भूतों के नाथ मैं अर्थ की साधना करता हूँ, उसके लिए मैं आपके यहाँ दरबार में गुहार लगा रहा हूँ। इस मंत्र की पहले आप 11 माला करें, 108 मनके की रुद्राक्ष की माला लेकर 11 माला इसकी कर लें और इसके बाद में एक माला का आप हवन कर लें। इसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र को सिद्ध करना है, ये मंत्र सिद्ध हो गया। अब जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है, इस मंत्र से आपको काम निकालने की जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप साबुत इलायची, जो हरे कलर की इलायची आती है, उस इलायची को आप निकाल के उसमें से 11 बीज आप इकट्ठा कर लें। ये आप कभी भी करके रख सकते हैं, आप 11 बीज इलायची के इकट्ठा करके रख लें और अपने हाथ में बांध लें सीधे हाथ में, और इस मंत्र को पढ़ के उसको चारों दिशा में फेंक दें, ऐसा समझ के कि आपकी ये जो प्रार्थना है वो समस्त भुवन में फैल गई, फेंक दें। आप देखिएगा, सवेरा होते होते आपकी जो कुछ भी मांग थी, आपकी जो कुछ भी चाह थी, वो 110% कंप्लीट होगी, पूरी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान उपाय है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि यदि वो भी कभी फंस जाए इसी तरह के किसी संकट में, तो उनको भी मार्ग मिल जाए। जब उनको मार्ग मिलेगा तो आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो चलिए, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।